एक्साइटेड हो, किन्नौर की ऐसी जगह दिखाऊंगा मैं आपको कि जहाँ पे आज तक किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया होगा, तो ऐसे वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूँगा। अभी यहाँ से आगे मुझे 2-3 किलोमीटर आगे जाना है, बाकी मैं आपको बता दूँ ज्यूरी जाना पड़ेगा वापसी, यहाँ पे मंदिर में पूछना पड़ेगा क्या जा सकते हैं, यहाँ पे विदाउट परमिशन हम जा नहीं सकते। स्टोर है यार भाई, इसका मतलब मैं नहीं पहुँचा अभी, भाई साहब मिले थे एक, ये दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आइयो आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको वीडियो के अंत में वीडियो में पता लग ही जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ। तो अभी मैं बैठा हूँ सोल्डिंग ब्रिज के ऊपर, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊँगा सोल्डिंग ब्रिज, ये देखिए। मौसम आप देख सकते हैं, मौसम भी बादल बादला सा है, बिल्कुल ख़राब है, और ठंड भी नहीं है, मौसम ठीक है, गर्म है। तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ बाइक में घूमने के लिए, निकल चुका हूँ, अकेला हूँ मैं। और ये देख सकते हैं आप, पूरा धुआं धुआं हो गया भाई, आजकल लोगों ने पूरे जंगलों में आग लगा रखी है, बहुत ज़्यादा आग लगी है। यहाँ से ऊपर देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से ऊपर बिल्कुल काला, 12:30 बज रहे हैं टाइम, ये देख सकते हैं, ये देखिए 12:30। और मैं यहाँ बाबा नगर से जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और बाकी कुछ मैंने ज़रूरी बातें भी करनी है आपसे, तो ये मैं आगे बताऊँगा आपको जहाँ पर मैं रुकूँगा आगे कहीं अच्छे से जगह में पहुँच के। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। मातरंडा सबसे पहले मैं एक बार दर्शन करूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलूंगा। माता बाइक में भी तेल बहुत ज़्यादा कम है, ये देखो बिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखूंगा मैं बदाल में, बदाल में हम तेल भरेंगे क्योंकि वहीं पे है, उसके बाद आगे मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने वहाँ से आगे जाना भी नहीं है ज्योरी तक, फिर ज्योरी से मुझे जाना पड़ेगा ऊपर के लिए, वहाँ से अलग ही रोड है। आप समझ चुके होंगे आप कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो जिसको अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को लास्ट देखते रहो। दोस्तों अभी मैं रुका हूँ किन्नौर का पहला ढाबा, वैसे तो मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन बट आते हुए ये किन्नौर में आते हुए ये पहला ढाबा है ये, और यहाँ से व्यू दिखाऊंगा भाई, क्या मस्त व्यू दिखता है भाई साहब, ये देख सकते हैं, ये देखिए क्या मस्त, ये देखिए ट्रक, और वहाँ से अंदर जाते और वो वहाँ से बाहर, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। आप जब भी आओ कभी यहाँ पे रुक के चाय चुए पी के फिर निकलो भाई, मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर किया चाय के लिए, अब यहाँ चाय पीऊँगा फिर उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। ये है आपको ये जो लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ, ये है किन्नौर का पहला ढाबा। आप जब नीचे शिमला साइड से आओगे या रामपुर साइड से आओगे तो ये पहला है यहाँ पे, किन्नौर का पहला है। चाय बनते तक हम आपसे बात करते हैं। तो मैं कह रहा था कि कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ क्या है। तो 2024 में मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं आपके लिए, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर मेरे जो वीडियो होंगे वो कैंपिंग रिलेटेड हो, किन्नौर की ऐसे जगह दिखाऊँगा मैं आपको कि जहाँ पर आज तक किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया होगा, तो ऐसे वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूँगा। मैं आपको हफ्ते में एक वीडियो या मैं हफ्ते में एक वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, वो भी ट्रैकिंग वाले वीडियो होंगे मेरे, या कुछ ना कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पे किसी ने आज तक वीडियो भी नहीं बनाया होगा, इस तरह के मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ऐसे जगह में आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। लोगों ने ये देखा नहीं होता, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये मैंने देखा था शिमला में, लक्कड़ बाज़ार में भी देखा था, इसको सजाया गया था इस तरह से और लोग इसे खरीद रहे हैं, बट हमारे यहाँ पर ये मिलते हैं मुफ्त में भाई, ये देख सकते हैं कितने सारे हैं। ये किस काम आता है मैं बताता हूँ भाई, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बनाया ये अंगीठी, और ये इसको आग जलाने का काम आता है, इसमें आप माचिस लगाओगे एकदम जल जाता है, इसमें एकदम पकड़ लेता है आग, तो इससे इससे क्या होता है कि आग जलाने में इजी होता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारा है यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह से आप अंदर में बैठ सकते हैं, और यहाँ पे देखिए
चलो एक बार भैया से भी बात कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं भैया से। कब तक खुला रहता है? रात को भी खुला होता है? आजकल जो बंद है, आजकल ऐसी टाइम पास। आजकल भी वैसा मतलब ठंड भी है ना, गर्मियों में? गर्मियों में बस जैसी रोड बन जाएगा उसके बाद। अच्छा, धूल से थोड़ा। हाँ आजकल ठंड भी है फिर, है ना। मतलब कितने लोग आते हैं दिन में? दिन में आ जाते हैं, काफी टूरिस्ट आ जाते हैं। अच्छा। आजकल थोड़ा कम है। हाँ अभी भी आ रहे हैं बाहर, है ना। आप अकेले होते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं होते। अच्छा आजकल इतना काम है तो फिर आप अकेले हो, है ना। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। वैसे तो मैं पीता ही नहीं हूँ, कभी कभार मैं ऑफिस में पी लेता हूँ, अदरवाइज मैं चाय पीता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है चाय। ये तो मैंने आपसे गप्पे मारने के लिए तभी किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल किन्नौर में बाइक में चलना बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। पहला दिक्कत, आग लगी है पूरे ऊपर चट्टानों में, पहाड़ों में आग लगी है, तो उस वजह से पत्थर गिरने के खतरा है। नंबर दूसरा, ठंड ज़्यादा है, मतलब इस बार तो बर्फ़ भी नहीं पड़ी, उस वजह से ठंड इतनी लग नहीं रही है, बट ठंड भी है सुबह शाम। नंबर तीसरा क्या है कि रोड का काम चला है तो उसमें गटके बिछाए हुए हैं, उस वजह से छोटे छोटे पत्थर है रोड में बिखरे हुए बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मतलब उस स्पीड में मैं बाइक चला नहीं सकते, ये भी दिक्कत है नंबर तीन। बाकी जब रोड बच जाएगा उसके बाद मतलब भाई मक्खन रोड बनेगा भाई, जब बनेगा, बट काम चला हुआ है उसके। किन्नौर तक के लिए रोड बहुत अच्छा होने वाला है कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम मतलब 2024 के लास्ट तक हो सकता है ये रोड बिल्कुल क्लियर। तो और मेरे साथ ये देखिए भाई प्यारा सा कुत्ता। तो ठीक है चाय पी लेते एक बार। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। यहाँ से अंदर किन्नौर स्टार्ट होता है और ऊपर से आते हुए ये लास्ट है। बहुत ज़्यादा आग लगी है भाई, देख देखो पूरा, ये देख सकते हैं आप आगे सामने तक कुछ नहीं दिख रहा है भाई, वो उधर बहुत तेज़ आग लगी है, देख देखो खतरनाक वाला आग लगा है भाई। अभी मैं खड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ये देखिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं दो कदम लगा के मैं परे पहुँचाऊँगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो ठीक है निकलते हैं यहाँ से भाई साहब। आता है भाई कैमरा देख के हर कोई हॉर्न मारता है, बताओ बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ देखो भाई पूरा पेड़ ही आ गया नीचे पूरा जल के। ये देखिए ये जो वो वाला लकड़ है भाई, कौन सा लकड़ पता है आपको, जो एकदम जलता है, जोपती जिसको बोलते हैं, जोपती। ये देखिए भाई जिस किसी को भी चाहिए, यहाँ देखो भाई चौराहे में। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ बीमा काली टेम्पल से थोड़ा सा पीछे हूँ, अभी यहाँ से आगे मुझे 2-3 किलोमीटर आगे जाना है। बाकी मैं आपको बता दूं ज्यूरी से यहाँ तक का जो किलोमीटर जो दूरी है वो है 17 किलोमीटर यहाँ के लिए सरान बीमा काली टेम्पल तक। तो बस अब मैं थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठा था। तो और देखिए यहाँ पे अपना बाइक बुलेट और मुझे जाना है उधर कहीं, उधर से है दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए ये मैंने गले में ये लगाया ताकि हवा ना आए पूरा, ये देख सकते हैं। और सिर में मैं ये लगा है, ये मंकी कैप है, इससे क्या होता है कि मतलब हेलमेट पहन के भी मतलब उसमें हवा भी नहीं आता, नहीं तो हेलमेट से अंदर साइड को हवा आता है, उस वजह से सिर में दर्द होना भी लग जाता है। दोस्तों ये देखिए मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया है, अब ये लेके मैं जाऊँगा एक बार, मैं दर्शन करके आऊँगा, फिर उसके बाद मैं पूरा आपको यहाँ पे एक घुमाऊँगा यहाँ पे कि किस तरह से बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे भाई, जो यहाँ का जो डिज़ाइन है भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊँगा। कुछ इस तरह से स्टार्ट है, मैं अभी आया इस गेट से यहाँ से अंदर, आप वहाँ से भी आ सकते हैं, ये दोनों जगह से यहाँ से अंदर आने के लिए एंट्रेंस है, मतलब अंदर आने के लिए रास्ता है मंदिर में आने के लिए यहाँ से भी। तो फिर अब मैं जाऊँगा यहाँ से अंदर, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो एक बात तो भैया को पूछ लेते हैं कि यहाँ से अंदर हम वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, अंदर तक बना सकता हूँ? अच्छा टोपी पहनते हैं। अच्छा टोपी के आसपास, फिर उसके बाद अंदर वहाँ से अंदर नहीं, ऊपर भी अपना फोन कैमरे वगैरह आपको लॉक में रखने भी चाहिए कि आप दर्शन कर सकते हैं, बड़ा बात सुना। ठीक है थैंक यू। तो आपने सुन लिया होगा क्या बोला भैया ने कि अंदर जा, यहाँ पे देखिए आपको सब सामान यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा भाई, जिसमें चाबियाँ लगे उसमें। दोस्तों जब आप बीमा काली मंदिर टेम्पल में आते हो तो सबसे पहले आपको एंटर होना पड़ेगा, एंटर होने के बाद ये देखिए जी यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा भाई, ये है 71 13 जनवरी 2024, ये देखते हैं 71 नंबर मेरा है अभिषेक बोरस। और ये देखिए मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ से आया ये लिखना पड़ेगा, और लॉकर नंबर मैं आपको बताता हूँ लॉकर नंबर क्या है, और यात्री संख्या 1। तो फिर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके बाद
आपको लेना पड़ेगा टोपी। टोपी पहनने के बाद ये देखिए लॉकर नंबर ये है भाई 18, उसमें मेरा नंबर है 18, क्योंकि इसमें चाबी लेके आपको खुद को तब जाके कि आप इसमें अपना सामान जो भी आपने चमड़े की चीज़ जो भी आपके पास उसको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा यहाँ से अंदर। तो आप ना तो यहाँ से अंदर आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं ना कोई चमड़े के सामान। ये देखिए भाई, और आपको ये टोपी पहनना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे घुमाऊँगा। तो एक बार मैंने पूछ लिया कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ बना सकते हैं ये मंदिरों के बाहर से। अब यहाँ से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा भाई, आपको यहाँ से अंदर वीडियो नहीं लेना पड़ेगा, बाहर से ले सकते हैं आप। ये रहा होगा ये पुराना मंदिर है जो आपको दिख रहा होगा, और जो नया है जो पल्ले साइड वाला, अभी जो दर्शन के लिए जाते हैं लोग सब इस वाले में जाते हैं, पल्ले साइड वाले में। यहाँ देखो भाई कितना बड़ा कड़ाई है, कितने लोगों का खाना बनता होगा। ओ भाई साहब ये देख सकते हुए, अरे भाई इसमें नाम लिखा है यार, क्या लिखा है पता नहीं लग रहा मुझे, पढ़ सकते तो कोई पढ़ ले। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखो भाई काफी बड़ा। और ये क्या होगा, ये देखिए इसमें क्या बनता होगा बताइए, कमेंट करके बताओ भाई इसमें क्या बनाते होने। लोगों ने पूजा के सामान लगाए, उसमें प्रसाद वगैरह लगाया अंदर। और मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको पिछले बैक साइड से, ये देखो ठीक है निकलते हैं अब। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई लोग आप प्रसाद बाहर से भी लेके आते हैं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रसाद बाहर से लेके आने की, यहाँ पे अंदर आप अंदर आने के बाद कैंपस में आने के बाद भी यहाँ अंदर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा प्रसाद। कई लोग बाहर से लेके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो ठीक है थोड़ा सा टहलते अब यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ा यहाँ से नज़ारे दिखाऊँगा। बस यहाँ देख सकते हैं आप कि आप बाहर आने के बाद, मंदिर से बाहर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। फैमिली के साथ आप आके यहाँ पे घूम सकते हैं, यहाँ देखो काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ है, यहाँ पे व्यू अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ से मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा भाई, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं आप। अच्छा हेलमेट को रखता हूँ यहीं पे भाई। लोग सरान तो बहुत आते हैं, लोग काफ़ी लोग आते हैं सरान, और सरान काफ़ी लोग आते हैं, एक बार आते हैं, दो बार आते हैं, तीन बार आते हैं, पांच बार आते हैं भाई साहब जो, लेकिन बहुत ही कम लोग जहाँ पे चुटिया करे। यहाँ भीमा काली टेम्पल से आपको 2 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टेडियम के पास पहुँच गया हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बोलो, फुटबॉल स्टेडियम बोलो, ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये देखिए क्यों ना मैंने सोचा वीडियो बनाया जाए यहाँ का, क्योंकि काफ़ी लोग सरान आ जाते हैं घूमने के लिए, बट यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं चिड़ियाघर देखने। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर था भाई, ये देखिए श्री रामचंद्राय नमः, ये देख सकते हैं। मैंने किसी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे ये शिव मंदिर है भाई, ये देख सकते हैं। निकलते हैं यहाँ से ऊपर चिड़ियाघर की ओर, पैदल चलने का, यहाँ पे गाड़ी नहीं आती यहाँ से आगे, ये देखिए आपको यहाँ से आगे पैदल आना पड़ेगा। आई डोंट नो कितना दूर है, जो भी है आ ही गए तो हम जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं भाई। यहाँ पे नो एंट्री, वर्क अंडर प्रोग्रेस, अब ये क्या बोल रहे हैं, बट मेरे ख्याल से मेरे किस्मत में नहीं है भाई यहाँ पे। ये देखिए नो एंट्री, वर्क अंडर प्रोग्रेस, अब मुझे जाना पड़ेगा वापसी यहाँ पे मंदिर में, पूछना पड़ेगा क्या जा सकते हैं यहाँ पे, विदाउट परमिशन हम जा नहीं सकते, क्योंकि मैं वापसी आ रहा हूँ पूछने के लिए। मैंने पता किया भाई यहाँ से तो रास्ता बंद है, अब मुझे जाना पड़ेगा पिछले साइड से, कहीं तो पिछले साइड में भी पल्ले साइड से भी रास्ता है, तो वहाँ से जाना पड़ेगा। अब देखते हैं वहाँ से ऊपर रास्ता होगा तो पता लगे तो चले जाएंगे, अदरवाइज क्या बोल सकते। चलो ठीक है कोई ना,
काफ़ी नीचे से आया मैं, आपको नीचे दिख रहा होगा सड़क, और यहाँ से ऊपर शायद और तो काफ़ी ऊपर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रिल लगे हुए, यही है रास्ता तो सही है, मैं बिल्कुल सही रास्ते में जा रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। ये देख सकते हैं शायद मैं अब बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद आई थिंक यही है। ओहो भाई साहब स्टोर है यार भाई, इसका मतलब मैं नहीं पहुँचा अभी, भाई साहब मिले थे एक, उन्होंने कहा कि पहुँच गया लगभग, कहीं यहीं से होना आई थिंक। ओ माय गॉड ये देखते भाई, ये देखिए भाई, ये है भाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसको खाने के लिए यहाँ पे लगाया देखो दाने, ये देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप दो है यहाँ पे दिख रहे हुए, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, एक सामने दिख रहा होगा जो नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो देख सकते हैं आप एक वहाँ पे है सामने, एक उधर है वाले साइड को, दो यहाँ पे और एक इसमें, अभी तक टोटल तीन दिखे हमें, ये देखिए सामने, ये कौन सा पक्षी है आई डोंट नो, यहाँ पे कहीं नाम भी नहीं लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देख सकते हैं सामने दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ओ देखो सामने देख सकते हैं आप पेड़ के ऊपर, वाह क्या मस्त दिख रहा है भाई, गले में इसका लाल है, कौन सा पक्षी है आप बता सकते हैं कमेंट करके, ये देखिए भाई वाह, काला मुर्गा, मैं आपको दिखाऊंगा, दिख रहा होगा आपको ये बीचो बीच, ये देखिए भाई काला मुर्गा, ये देखिए, इनको यहाँ पे खाने दिया है थालियों में, ये देखिए कटोरे में एक खाना लगा है भाई, ये देख सकते हैं, ये जो भी यहाँ पे पक्षी रखे हुए हैं इसमें, ये सब एडोप्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडोप्टेड एनिमल नेम वाइट क्रेस्टेड स्पीसीज कॉलेज, ये देख सकते हैं आप एडोप्टेड बाय मिस्टर प्रेम सिंह, एडोप्शन पीरियड 1/7/2023 to 30/6/2024 तक है ये, सरान हिमाचल प्रदेश जू एंड कंजर्वेटिव ब्रीडिंग सोसाइटी, ये देख सकते हैं आप, ये है काला मुर्गा, ये सब एडोप्टेड है, जहाँ पे भी मैंने देख लिया, जहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ कि एडोप्टेड, ये एडोप्ट किया गया है, फिर जाके लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जैसे कि ये देखिए एडोप्टेड जिज्जू राणा, ये देख सकते हैं एडोप्टेड, एडोप्टेड बाय मिस्टर मनीष आनंद, शायद आनंद होगा शायद, एडोप्टेड पीरियड ये कब तक है देखिए 6/5/2023 to 5/5/2024 तक के लिए, ये देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप बैठने के लिए क्या मस्त बनाया भाई, आए हाय, और जो यहाँ से व्यू लोकेशन है ना भाई वाओ, हाँ ये देखिए, और आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा बीमा काली टेम्पल, आई थिंक बीमा काली टेम्पल कहाँ पे है, यहाँ से मुझे कुछ आइडिया लग नहीं रहा है, आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं सामने टेम्पल, ये दिख रहा होगा आपको, वाह मुझे दिख नहीं रहा था अब पहले, ये देखिए, तो ये देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात पूछनी है मुझे आपसे, ये देखिए ये क्या कहते हैं इसे, ज़रा कमेंट करके बताएं, और कहाँ कहाँ होता है, और ये इसको किस नाम से पुकारते हैं आपके वहाँ पे, जहाँ पे भी आप रहने वाले हो वहाँ पे, इसको किस नाम से इसका क्या नाम है बताया है, इसको बोलते हैं ठुटुर, ठुटुर बोलते हैं, बट आपके किन्नौर में भी सब जगह ठुटुर नहीं बोलते, शायद मेरे ख्याल से अपर में कुछ और ही नाम बोला जाता है, और सब जगह अलग अलग नाम है आई थिंक, बाकी जो बावा वैली में हम लोग बोलते हैं इसको ठुटुर, बाकी आप भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, तो ठीक है इसी तरह से मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अच्छा कैंपिंग के वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बहुत ऐसे जगह में जाने वाला हूँ जहाँ पर, ऐसे जगहों में जाने वाला हूँ जहाँ पर हर कोई बंदा जा तो लेता है, वहाँ पे चले जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ का वीडियो कोई बना नहीं पाता, तो इसलिए आप
आपको रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये देख सकते हैं, ये देखिए इसको पकड़ के, ये देखिए भाई पूरे हाथ में तेल चिपक गया, अब ये काला हो जाएगा, ये इसी की वजह से ये आग एकदम पकड़ लेता है इसमें। ये जैसे इसलिए हमारे को केरोसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यदि आपके पास ये है तो आपको केरोसिन की ज़रूरत नहीं आग जलाने के लिए, इससे चल पड़ जाता है, आग जल जाता है। तो देखिए तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से सीधे बाबा नगर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं 12 बजे का वहाँ से आया हूँ। तो अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहे 4:20, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, आधा घंटा मुझे नीचे सड़क में पहुँचने को लगेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।